हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक छोटा सा एडवांस स्ट्रक्चर है, इसका नाम है कोअर्स इनटू। जी हां दोस्तों, ये कोअर्स इनटू क्या होता है, इसका न्यूज़पेपर में भी काफी यूज होता है फ्रेंड्स, तो मैं न्यूज़पेपर में भी इसकी कटिंग आपको दिखाऊंगा। उससे पहले समझा दूं क्या होता है कोअर्स इनटू। गाइस देखिए, ये जो है कोअर्स इनटू, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कोअर्स है, को बीच में अ ऐसे करना होगा, कोअर्स, खाली आपको कोर्स कोर्स नहीं बोलना होगा, कोअर्स कोअर्स ऐसे बोलना होगा। तो ये कोअर्स इनटू है, कहीं पर इनटू नहीं होता है तो सिर्फ टू भी होता है, कोअर्स टू। तो पहले मैं समझा दूं कि क्या है गाइस। कोअर्स टू का मतलब है हिंदी में देखें तो जबरन कोई काम कराना, यानी कि किसी को मजबूर कर देना किसी काम को करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं, कोई व्यक्ति किसी काम को करना नहीं चाहता है, अब आप उसे धमका करके, डरा करके, उसके साथ मारपीट करके आप किसी भी तरीके से उससे काम करा लेते हैं, यानी कि आपने उसे मजबूर कर दिया उस काम को करने के लिए, तो आपने क्या किया उसके साथ, दैट इज कोअर्स। आप कोअर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई भी सिचुएशन लीजिए, आप पहले फिल्मों में देखते होंगे कि मारपीट करके अंगूठा ले लेते थे डॉक्यूमेंट पे या साइन ले लेते थे, तो जो आपको डांट के मार के पीट के धमका के बलपूर्वक आपसे कोई काम करा ले, दैट इज कोअर्स, याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर फोर्स भी लिख दिया कि कोई फोर्सफुली काम करा ले, कोई थ्रेटन यानी कि धमकी देकर करा ले, हिंदी में जबरन कराना या आपको मजबूर कर देना कि आपको करना ही होगा, कोअर्स इनटू। अब हम कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। जब भी आप सेंटेंस बोलेंगे कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए टेंस के अनुसार। फिर देखिए कि ये जो कोअर्स है ये टेंस के अनुसार चेंज होगा, अगर ये पास्ट है तो कोअर्स्ड भी हो जाएगा, तो ये जैसा टेंस होगा वैसा आप इसको चेंज करेंगे। उसके बाद आप इनटू लगाइए, अधिकतर इनटू दिखाई देता है। जब भी आप इनटू बोलेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको जो वर्ब है वो आईएनजी में दिखाना होगा, यानी कि अगर गिव है तो गिविंग करना होगा, साइन है तो साइनिंग करना होगा, प्ले है तो प्लेइंग करना होगा, जंप है तो जंपिंग करना होगा, यानी कि वर्ब आईएनजी में दिखाना होगा, उसके बाद जो अगला कोई अदर ऑब्जेक्ट है वर्ड है वो दिखाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि इनटू नहीं होता है, कोअर्स के बाद टू होता है, अगर टू होगा तो फिर आईएनजी नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कोअर्स टू साइन, कोअर्स टू प्ले, कोअर्स टू सिंग, ऐसे होगा। लेकिन अगर इनटू है तो कोअर्स इनटू साइनिंग, कोअर्स इनटू सिंगिंग, कोअर्स इनटू प्लेइंग, ये फर्क है दोस्तों। तो आपको देखना है, अगर आपको जो इजी लगे आप बोलिए, हालांकि ज्यादातर कोअर्स इनटू ही दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको कोअर्स टू भी दिखाई दे सकता है फ्रेंड्स। तो इनटू होगा तो वर्ब में आईएनजी, टू होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर है। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। यहां लिखा है दे कोअर्स्ड मी, they coerced me into signing the documents, यानी कि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, अब मार के पीट के जैसे भी किया, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया क्या करने के लिए, साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। तो coerced के बाद आप यहां पर मी हिम हर ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि दे coerced किसको, तो मी, दे coerced मी इनटू साइनिंग द डॉक्यूमेंट। तो जब इनटू आ गया तो मैंने यहां पर आईएनजी दिखाया है कि साइनिंग है, साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। अगर यहां पर इनटू नहीं होता सिर्फ टू होता तो कैसे होगा कि दे कोअर्स्ड मी टू साइन द डॉक्यूमेंट, फिर साइनिंग नहीं हो सकता। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर इनटू मिल जाए तो आप क्या करोगे, अगर मैं सिर्फ टू समझाता तो दोनों ही बता दिया है, आप देख लीजिएगा। एक और है, मान लीजिए एक सेंटेंस है कि द डिक्टेटर यूज्ड मिलिट्री फोर्स, द डिक्टेटर यूज्ड मिलिट्री फोर्स टू कोअर्स हिज सिटीजंस इनटू फॉलोइंग हिज रूल्स। अब क्या मतलब है उसका, कि जो डिक्टेटर था उसने मिलिट्री फोर्स यूज किया, मिलिट्री को यूज किया क्या करने के लिए, टू कोअर्स हिज सिटीजंस, अपने सिटीजंस को मजबूर करने के लिए, into following his rules, उसके rules को follow करने के लिए, उनको coerce करने के लिए उसने military force का इस्तेमाल किया। तो coerce का मतलब है कि
कि आपको मजबूर कर देना, आपसे जबरन कोई काम कराना, चाहे कोई फोर्स यूज करके करे, मिलिट्री फोर्स, आपको धमका के, धमकी देकर, ब्लैकमेल करके, कैसे भी करे, कोर्स अ क्रिमिनल कोर्स्ड माय फ्रेंड, एक क्रिमिनल ने मेरे फ्रेंड को मजबूर किया इनटू कमिटिंग क्राइम, एक क्राइम करने के लिए उसने मेरे दोस्त को मजबूर कर दिया, उसे जबरन उससे वो क्राइम कराया। सो अ क्रिमिनल कोर्स्ड माय फ्रेंड इनटू, अगर इनटू नहीं बोलना है, सिर्फ टू बोलना है, तो कमिटिंग नहीं होगा, कमिट होगा, कि अ क्रिमिनल कोर्स्ड माय फ्रेंड टू कमिट अ क्राइम। अगला है, आई वॉज कोर्स्ड इनटू डूइंग द डिशेस, डूइंग द डिशेस मतलब कि बर्तन साफ करना, तो आई वॉज कोर्स इनटू, मुझे मजबूर किया गया बर्तन धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, अब चाहे वो डांट कर था, धमका कर था, ब्लैकमेल करके था, मतलब मुझे मजबूर कर दिया गया बर्तन धोने के लिए। तो गाइस यही था कोर्स इनटू, मैं दिखाता हूं कि न्यूज़पेपर में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, हालांकि न्यूज़पेपर में इनटू नहीं है, सिर्फ टू लगा हुआ है दोस्तों। तो आइए देखते हैं गाइस, गाइस यहां देखिए कोर्स का कैसे इस्तेमाल है, यहां पर लिखा हुआ है ही अलीजेस दैट ही वॉज कोर्स्ड टू साइन द कंप्लेंट। यहां पर कोर्स्ड के बाद टू का इस्तेमाल हुआ है, इनटू का नहीं, तो टू आया है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साइन आया है, यानी कि उसे फोर्स किया गया, मजबूर किया गया टू साइन द कंप्लेंट, यानी कि जो शिकायत पत्र होता है उसे साइन करने के लिए उसे मजबूर किया गया। तो यहां पर कोर्स्ड का इस्तेमाल आपने देखा फ्रेंड्स। वेल गाइस, आपने देखा कि न्यूज़पेपर में भी कोर्स्ड टू का इस्तेमाल हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।